लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। क्या आपने कभी चार पैरों वाले सांपों के बारे में सुना है? शायद नहीं सुना होगा, क्योंकि ऐसा कोई सांप हमारे बीच मौजूद ही नहीं है। लेकिन इस तरह के सांपों का रहस्य बहुत जल्द ही लोगों के सामने आ सकता है। दरअसल हजारों साल पहले जितने भी सांप होते थे उनके चार पैर हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे उनके पैर खत्म हो गए। वैज्ञानिक इस रहस्य को पता लगाने में जुटे हैं। बताया जाता है कि इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्टसमाउथ के प्रोफेसर डॉक्टर डेव मार्टेल को चार पैरों वाले सांप का जीवाश्म मिला है, जिससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बहुत जल्द ही इनका रहस्य पूरी दुनिया के सामने आ सकता है। मार्टेल को ये जीवाश्म जर्मनी के एक म्यूजियम सोलनहफेन में मिला है। 11 करोड़ साल पहले इस तरह के सांप ब्राजील में पाए जाते थे। इनके पैर कैसे गायब हुए, वैज्ञानिक इसका पता लगाएंगे। मार्टेल के टीम के सदस्यों ने इस सांप को टेट्रापोडिस्फिस सिंप्लेक्टस नाम दिया है। प्रोफेसर मार्टेल ने बताया कि पहली नजर में इस सांप के जीवाश्म को देखकर कहा जा सकता है कि ये छिपकली से विकसित हुए हैं। इनका स्वरूप ही छिपकली जैसा था, लेकिन धीरे धीरे इनमें बदलाव आते चले गए। हालांकि इनमें कब और क्यों बदलाव आया, इसका पता लगाना होगा। उनके मुताबिक इस जीवाश्म से एक बात क्लियर हो गई कि सांपों का विकास बिल में रहने वाली छिपकलियों से हुआ है, न कि समुद्री छिपकलियों से। डॉक्टर मार्टेल ने बताया कि जर्मनी के म्यूजियम सोलनहफेन में छात्रों के साथ रूटीन फील्ड ट्रिप के दौरान ये जीवाश्म मिला। उन्होंने कहा कि इस